नमस्कार दोस्तों, तो आपका फिर से एक बार साहस स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, पहले के वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था का फर्स्ट नंबर चैप्टर है जिसका नाम है विकास डेवलपमेंट, ठीक है। और विकास चैप्टर में हमने बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसको हमने पढ़ चुका है। अगर आपने नहीं वो वीडियो देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का पूरा पार्ट वाइज पार्ट लिंक है, आप जाकर उस वीडियो को सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आइएगा। और इस वीडियो में दोस्तों आपको बता दें कि जितना भी चैप्टर इस फर्स्ट वाला चैप्टर है तो इस वीडियो में हम पूरा समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा सा लंबी हो सकती है, तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। एक और बात बता दें दोस्त कि वीडियो थोड़ा सा लेट आ रहा है, अर्थव्यवस्था का जो है वीडियो तो थोड़ा सा लेट आ रहा है, तो इसके लिए सॉरी। और मेरा तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है। और आज का टॉपिक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और हर टॉपिक में आपको क्वेश्चन बनने का बोर्ड में बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। और VVI टॉपिक हम आपको समझाते हैं बोर्ड पे, ठीक है। और आपको इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा फाइनल कराया जाएगा फर्स्ट चैप्टर का, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम चलते हैं अपने विषय वस्तु पर बिना देर किए हुए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है आर्थिक, मतलब राष्ट्रीय आय। फर्स्ट नंबर टॉपिक क्या है कि राष्ट्रीय आय, मतलब नेशनल इनकम जो होता है, राष्ट्रीय आय, राष्ट्र में जितना भी आय मीन्स क्या होता है, आपको बता दिए हैं। कोई भी अगर व्यक्ति पैसा कमाता है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति अगर एक माह में 500 रुपये कमाता है तो उसका आय हो गया, ठीक है, और कमा रहा है जितना रुपये उसका आय हो गया। उसी प्रकार तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, देश की जो आय है वो क्या होता है, तो किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुएं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आपने कोई भाषा सुन लिया, आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, चलिए समझाने की कोशिश करते हैं। मतलब क्या है कि नेशनल जो इनकम है, नेशनल इनकम आपका समझ लीजिए, इसका इंग्लिश वर्ड है राष्ट्रीय आय का, नेशनल इनकम जो है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में, अवधि मतलब समय, ठीक है, किसी देश में, कोई ऐसा देश हो जिसके, जिस देश में एक वर्ष कितना दिन का होता है, आपको पता होगा 365 दिन होता है, उसको एक वर्ष बोल देते हैं हम। तो 365 दिन में, 365 डेज में आपको उतना दिन के समय के अंतराल में उत्पादित सभी वस्तुएं, अब वस्तुएं कौन कौन सी हो सकती है भाई, कोई भी वस्तु हो सकता है, जैसे इस मार्कर को उत्पादित करते हैं, जैसे इस मोबाइल से, आप जिस मोबाइल से आप वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल को उत्पादित करते हैं, वो कोई भी वस्तु हो सकता है जिसका उत्पादन एवं सेवाएं, हमें सेवा जो प्रदान मिलता है, जैसे बैंक से सेवा मिला, संचार से सेवा मिला, जैसे आपको एक सेवा प्रदान कर रहे हैं जो आप वीडियो देख रहे हैं मोबाइल के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू जो वीडियो देख रहे हैं, तो क्या हुआ, सेवा प्रदान हुआ कि मौद्रिक मूल्य के योग को, मौद्रिक मतलब क्या होता है दोस्त, तो मौद्रिक मतलब पैसा होता है, मौद्रिक मतलब उसका जो मूल्य, मौद्रिक अगर हम इस मार्कर को बेच देते हैं इसका मूल्य कितना हुआ, मौद्रिक मूल्य के योग को अगर पूरा जितना भी प्रोडक्ट उत्पादित हुआ, जितना भी वस्तु और सेवा उत्पादित हुआ, उस पूरा वस्तु और सेवा को हम बेचते हैं, क्या करते हैं, बेचते हैं, और उससे हमें मौद्रिक मतलब पैसा प्राप्त जितना होता है उसके पूरा, अगर पैसा को 50 को वस्तु उत्पादित किए एक देश में और पूरा वस्तु को बेच दिए और उससे जितना भी हमें पैसा प्राप्त हुआ उसको हम पूरा किसी को जोड़ देते हैं, मानिए जो 50 को मार्कर उत्पादित किए, कोई भी ऐसा 50 प्रोडक्ट हो सकता है, 50 वस्तु हो सकता है, तो जब 50 वस्तु उत्पादित किए और एक वस्तु को 1 रुपया बेचे, ठीक है, और 1 रुपया बेचने के अनुसार 50 वस्तु को अब 50 रुपया हो गया, उसको पूरा वस्तु को बेचकर जोड़ देंगे रुपया, तो क्या होगा, 50 रुपया हो जाएगा। तो वही बता रहा है सभी वस्तुएं सेवाओं को बेचकर, मतलब उसको उत्पादित करते हैं और मौद्रिक मूल्य के योग में, मौद्रिक मूल्य के मतलब पैसा के योग में हम बेच देते हैं और पूरा पैसा को जोड़ देते हैं, योग कर देते हैं, तो राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर अब अगर यह भी नहीं समझ में आया तो फिर से समझिए। अगर किसी वस्तु को हम खरीदते हैं या सेवा खरीदते हैं, ठीक है, वस्तु और सेवा को हम उत्पादित कर देते हैं, ठीक है, हम उसको बनाते हैं और उसको बेच देते हैं और पूरे जितना भी वस्तु और सेवा बेचे हैं उसको हम एक जगह उस पूरे पैसे को इकट्ठा कर देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस देश का राष्ट्रीय आय बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्त देखिए क्या है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है दोस्त, प्रति व्यक्ति आय आपको समझ में आ चुका होगा, बताइए नहीं कि तो समझिएगा कैसे, चलिए बताते हैं प्रति व्यक्ति आय क्या है। देखिए पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम क्या होता है दोस्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, हर साल पूछता रहता है, नहीं देखिएगा तो
पांच नंबर गया, दो नंबर गया। देख लीजिए क्या है, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। बोलिएगा भैया क्या बकबका रहे हैं, समझा दीजिए। तो देखिए दोस्त क्या समझाते हैं, जो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होता है, राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर। समझ में आ रहा है कुछ, राष्ट्रीय आय भाई समझा दिए हैं, राष्ट्रीय आय क्या है, तो आपको समझ में आ चुका होगा जो राष्ट्रीय आय क्या है, जितना भी पैसा उत्पादित किए हैं उस देश की कुल कुल क्या है, जनसंख्या से, जनसंख्या से भाग देने पर उसका जो भागफल प्राप्त होता है। भाई मैथ में भागफल पढ़ लिए होंगे, भागा कैसे दिया जाता है, अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए और मैथ का वीडियो देखिए, टेंथ क्लास में चले आए हैं, भागफल पता नहीं होगा भाई, पता होगा हमको पता है। तो भागफल देने पर उसका जो भागा देने पर उसका जो भागफल आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय आय को देश की, राष्ट्रीय आय जितना पैसा वो हुआ उसका पूरा देश की, जितना भी देश में जनसंख्या है, पूरा जनसंख्या, पूरा देश की जनसंख्या को जोड़ देंगे, उस देश में कितना लोग, लड़की लड़का बच्चा बुच्ची जितना होगा पूरा किसी को जोड़ देंगे, और जोड़ने के बाद उससे हम जितना रुपया कमाए हैं उसमें भागा दे देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे हम सूत्र के अनुसार इसको कैसे बैठा सकते हैं, प्रति व्यक्ति आय क्या होगा भाई, राष्ट्रीय आय पता चल गया, राष्ट्रीय आय क्या है, ठीक है, और कुल जन राष्ट्रीय आय भागा, भागा मतलब बाटा, बाटा कुल जनसंख्या, उस देश की पूरा कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या मतलब उस देश की पूरा कुल जनसंख्या, कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, कोई भी देश हो, तो उसका प्रति व्यक्ति आय हो जाता है, राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या को उस देश का प्रति व्यक्ति आय कहा जाता है। अब देखिए कुछ राज्य ऐसे ऐसे हैं हमारे देश में जिसका प्रति व्यक्ति आय क्या क्या है, जैसे पंजाब का प्रति व्यक्ति आय देखिए 26,000 पंजाब का प्रति व्यक्ति आय होता है, एक व्यक्ति को प्रति व्यक्ति आय मतलब एक व्यक्ति का वहां का 26,000 आय होता है, ठीक है। उसके बाद केरल, केरल में देखिए 22,800 वहां का प्रति व्यक्ति आय है भाई, 26,000 पंजाब, 22,800 मतलब इसका मांग, इसमें ज्यादा रुपया कमाता है सब, केरल वाला, केरल वाला कोई वीडियो देख रहा होगा तो ऐसे घबराइएगा मत भाई, आप बहुत धनी काम दिए हैं, क्योंकि यहाँ के लोग 22,800 रुपया कमाते हैं, बोलिए ठीक है। और बिहार के देखिए भाई, हमारा तो बिहार सबसे कहा बताएं आपको, बिहार का देखिए 5,700, बताइए भाई कहाँ 26,000 कहाँ 22,800, अब बिहार का 5,000 उसको भाई दो गुना से तीन गुना में भी कम है, तो भाई बिहार का है ना गरीब होई, समझ सकता रह। तो 5,700 जो बेकर है बिहार का प्रति व्यक्ति आय, तो इसीलिए तो बिहार कमजोर है भाई, इसी के लिए तो बिहार दब रहा है, अब इसका प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ रहा है। और केरल का भाई ध्वनि कहे ना होगा 22,800 उसका प्रति व्यक्ति आय है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ चुका है प्रति व्यक्ति आय का होता है, और कुछ ऐसे हैं राज्य जिसको इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में पूछता रहता है, तो उसको आपको दर्शा दिए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा वहां पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आधारिक संरचना क्या होता है दोस्त, आधारिक संरचना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आधारिक संरचना, ठीक है। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं या सेवाओं से है, ठीक है, उन सुविधाओं, सुविधा में क्या होता है भाई, हम आपको एक सुविधा दे रहे हैं, वीडियो पढ़ा आपको, वीडियो को प्रोवाइड कर रहे हैं आपके पास यूट्यूब के थ्रू, तो आपको एक सुविधा दे रहे हैं हम, जो कि टेंथ क्लास को एग्जाम पास करने में आपको सुविधा एक प्रदान हो रहा है इस वीडियो के थ्रू, तथा सेवा, सेवा भी आपको मिल रहा है ना, सेवा से है जो देश के आर्थिक विकास, देश के आर्थिक विकास का भाई आप पढ़िएगा तो देश का आर्थिक विकास नहीं कीजिएगा ना, तो जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं हम आपको सुविधा प्रदान कर रहे हैं मोबाइल के थ्रू, आपको क्या करते हैं आपके पापा जो मम्मी पापा जो हैं आपको सुविधा दे रहे हैं मोबाइल से थ्रू पढ़ लीजिए, तो जब आप YouTube के थ्रू पढ़ रहे हैं तो सेवाओं, हम सेवा आपको प्रदान कर दे रहे हैं, आपके मम्मी पापा सुविधा दे रहे हैं, उसके बाद देश के, अब जब आप पढ़ लीजिएगा तो हमारे देश के लिए क्या कीजिएगा, आर्थिक विकास नहीं कीजिएगा देश में, अगर आप पढ़ लेते हैं इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं तो आर्थिक विकास कीजिएगा ना देश के लिए, तो जब आर्थिक विकास सहायता करते हैं, आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं तो ऐसे क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, आर्थिक संरचना। जैसे देखिए हमारे लिए बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये क्या सब है, हमारे लिए आर्थिक संरचना है, जो कि सुविधाएं सेवाओं
है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होता है, सब हमारे लिए सहायक होता है कि नहीं। अगर बिजली नहीं रहे तो क्या आप मोबाइल चार्ज करके देख लीजिएगा वीडियो? अगर परिवहन नहीं रहे तो क्या मामा के यहाँ चल जाइएगा यार? नहीं ना जाइएगा। संचार नहीं रहे तो क्या आप किसी से बात कर लीजिएगा का? नहीं ना कीजिएगा। इसी प्रकार है। आगे बढ़ते हैं, देखिए आपको ये समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़ते हैं बिजली के विकास की स्थिति। जा बिजली है का ना? बिहार है, बिहार है, बिहार पर हम डिस्कस करें बिहार के विकास की स्थिति। तो देखिए बिहार के जी विकास है भाई, हम तो जानते हैं भाई बिहार पहले बहुत बड़ा विकास हुआ था, इसका बहुत बड़ा विकास हुआ था। कैसे कैसे? देखिए ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे बिहार में हुए हैं जो कि बिहार को मतलब यहाँ से यहाँ पुगा दिए, ठीक है। ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं अब जो बिहार के यहाँ से यहाँ पुगा दिए, जानते हैं कैसे कैसे? देखिए इसका इतिहास काफी गौरवशाली रहा। वाह भाई, बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, मतलब इतिहास मतलब समझ में आ रहा होगा जो इतिहास क्या होता है। यहाँ पर क्वेश्चन आप दीजिएगा, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इतिहास क्या होता है? पिछले भाई, पिछले आपके, पिछले पिछले आपके दादा परदादा जो हुए हैं उनके समय की बात किया जा रहा है। जो इतिहास है बिहार का बहुत काफी गौरवशाली, मतलब बहुत बड़ा, नहीं कहता है कोई कोई छाती तान के चलते, बहुत गौरवशाली आदमी है यार। उसी प्रकार देखिए गौरवशाली रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मतलब ऐसे ऐसे डेवलप हुए हैं जिसलिए इसको क्या बोलते हैं, गौरवशाली। और जहाँ बिहार में बात किया जा रहा है, बिहार में क्या क्या हुआ है, देखिए ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लिए हैं, ऐसे ऐसे काम किए हैं, जैसे गौतम बुद्ध हैं, आपको पता चल रहा है गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है भाई, गौतम बुद्ध बहुत बड़े ज्ञानी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। तो उनको क्या हुआ है, यहीं से इसी बिहार से ज्ञान प्राप्त हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो भाई यहां तक बात कर लिए जो गौतम बुद्ध कहां हुए थे, इनका जन्म मतलब यहां से जन्म नहीं भाई, ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए गौतम बुद्ध तो महापुरुष जो आदमी थे, इनका तो यहाँ पे ग्राम मतलब पढ़ लिए थे, बिहार से ही पढ़े हुए थे। उसके बाद देखिए महावीर, महावीर ने शांति का संदेश दिया था। भाई शांति मीन्स क्या होता है, शांति पता है? अगर आपको ये रूम पूरा शांति दिखाई दे रहा है तो शांति माहौल है, नहीं बोलता है लोग मौन, मौन मीन्स क्या होता है, शांति, शांति, शांति मतलब शांत रहिए। तो यहाँ के महावीर जी जो थे उन्होंने शांति का संदेश दिया था, मतलब इस बिहार को बोला था कि शांति का संदेश है, ये जो राज्य है यहाँ पे पूरा शांत है, ना झगड़ा होता है, ना मारपीट होता है, ना कुछ भी यहाँ पे ऐसा मतलब काम जो ऐसा खतरनाक वाला काम होबे नहीं करते, यहाँ पे पूरा शांति का परिचय दिया था, संदेश दिया था और बताया हुआ था बहुत जगह। लेकिन अब तो भाई आपको पता ही है जब कैसा शांति इस बिहार में गुजर रहा है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो अगले वाले जो स्लाइड आ रहा है ना उसमें आपको बता देंगे जो कैसे बिहार का शांति है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बाबू वीर कुंवर सिंह, भाई बाबू वीर कुंवर सिंह ध्यान रखिएगा, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म इसी बिहार में हुआ था भाई, ध्यान दीजिए। तो चंद्रगुप्त, अशोक, शेरशाह, गुरु गोविंद सिंह, उसके बाद बाबू वीर कुंवर सिंह, देश रत्न क्या होता है भाई, पता है ना आपको, देश रत्न जो आपको गोल्ड मेडल मिलता है, देश रत्न आपको प्राप्त होता है, देश को आपको एक मेडल मिलता है जिसको देश रत्न बोला जाता है। तो देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको पता होगा कौन थे, का जन्म इसी बिहार में हुआ था। अब देखिए इतना महापुरुष जो हैं, इतना जो बड़े बड़े आदमी हैं, इनका जो जन्म हुआ है कहाँ हुआ है, इसी बिहार में हुआ है, दूसरे जगह नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है, जहाँ आप पढ़ रहे हैं, जहाँ आप एग्जाम देने वाले जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा इतना ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनका जन्म इसी बिहार में हुआ है। आगे देखिए क्या है, बिहार में ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन का देखिए बिगुल फूंका था। अब देखिए
और फूंका था बिगुल, सिंगा फूंका था वो नहीं देखिएगा, बिगुल फूंका था, मतलब यहाँ से आंदोलन का जागरूक किया था लोगों को। देखिए देखिए चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन, चंपारण आंदोलन जानते हैं, हम भी चंपारण से बिलोंग करते हैं और ये बगल में है गांधी जी, जहाँ से बगल में गांधी जी ने चंपारण आंदोलन को आंदोलित यहाँ से किया था। और हमारे तो भाई चंपारण आंदोलन देखिए हमारे जो हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, चंपारण जो हमारा जिला है वो चंपारण है, ठीक है, पश्चिमी चंपारण से हम बिलोंग करते हैं और यहीं से इन्होंने आंदोलन का शुरुआत किया हुआ था गांधी जी ने, ठीक है। और गांधी जी ने चंपारण आंदोलन का यहीं से बिगुल फूंका हुआ था, बिगुल में पुपोही नहीं, पुपोही वो नहीं, बिगुल मतलब यहीं से आंदोलन चालू किया था जिन्होंने अंग्रेज के प्रति उन्होंने लड़ाई किया था चंपारण आंदोलन आकर। आपको पता होगा क्यों लड़ाई किया था, अगर नहीं पढ़े हैं तो इतिहास में जाइएगा, इतिहास जब पढ़ाई होगा तो उसमें आपको पता चल जाएगा क्यों फूंका था और क्यों किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट आपको बताते हैं लोकनायक, लोकनायक क्या होता है भाई, लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, संपूर्ण क्रांति यहीं से। यहाँ पे देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बीबीआई हरदम पूछता है इसी क्वेश्चन को, कैसे जयप्रकाश नारायण लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश, लोकनायक जयप्रकाश ने संपूर्ण क्रांति बहुत पूछता है, पूछता है कैसे जो संपूर्ण क्रांति का, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया हुआ था, तो लोकनायक जयप्रकाश ने, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं गीतकार भिखारी, भिखारी ठाकुर का जन्म भी बिहार में हुआ था, लोकगीतकार, लोकगीतकार अभी नहीं होता है भाई, खेसारी लाल जी से सोनिया मिर्जा की नथुनिया जान मारे ली चल गए वहीं पर जेलू, ठीक बा खेसारी भैया, अब हई हई लोकगीतकार बानू, लोकगीतकार ये पुराण का गीतकार है, जो पहले के जमाने में गीत होता था वो गीतकार है, इस वक्त का गीत भाई एक से एक, जो भी आ जाए मार्कर आ जाए मार्कर पर गीत, बोर्ड आ जाए बोर्ड कर बोर्डे पर गीत, कुछ भी पर गीत जोड़ दो बन गई गीत हो गई लू, लेकिन वो गीत के बात नहीं क्या होता भाई, एमें होता लोकगीतकार पुराण का जो लोक के गीत प्रेमी गीत था उसको भिखारी ठाकुर का जन्म जो लिखते हुए थे लोकगीतकार, भिखारी ठाकुर का जन्म इसी बिहार में हुआ था, कहाँ हुआ था इसी बिहार में, किनका जन्म भिखारी ठाकुर का, ठीक है, का लिखते थे का गाते थे लोकगीतकार, लोकगीतकार थे वो, ठीक है। आगे बढ़िए आज बिहार कई तरह की समस्याओं का शिकार है, का है शिकार है, शिकार है कथी का, आज बिहार कई तरह की समस्याओं का शिकार है, कौन समस्या हो गया भाई, जैसे हम हमारे पे देखिए समस्या का हुआ है, लाइन हरदम चला जा रहा है, हरदम वीडियो बना रहे हैं लाइन चला जा रहा है, उसी प्रकार बिहार में कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई, कैसे यहाँ गरीबी बेरोजगारी भ्रष्टाचार तथा अशांति का माहौल है भाई, हई देखिए क्या हुआ यहाँ पे, तो शांति का माहौल किसने बताया हुआ था, देखिए तो यहाँ पे किन लिखे हैं हम शांति का माहौल, देखिए संपूर्ण शांति 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 ओम शांति, किधर गया भाई ये तो दिखाई नहीं दे रहा है, देखिए यहाँ पे महावीर जी ने जो थे उन्होंने बताया हुआ था शांति का माहौल है, ठीक है शांति का, लेकिन यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ है, अशांति हो गया इस बिहार में, कौन समस्या उत्पन्न हो गया, गरीब आमदी बनने लगा बेरोजगारी, जैसे हम गरीब हैं अभी कहाँ हैं बेरोजगार हैं, ना बेरोजगार नहीं अभी यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हैं हम भ्रष्टाचार हैं नहीं हैं, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं भाई हम, भ्रष्टाचार हैं तथा अशांति, अशांति का माहौल है इस बिहार में, गरीबी हो गया बेरोजगारी हो गया, कोई काम करने लायक नहीं है सब, कोनो कामें नहीं मिलता, अब बताइए बेरोजगारी नहीं होगा, एगो फॉर्म आ रहा है एग्जाम देने के लिए 5,12,000 सीट रह रहा है, दू गो 1,00,000 फॉर्म गिर रहा है, तो बताइए बेरोजगारी हुआ कि नहीं हुआ, 1,00,000 हम दू गो सीट के लिए लड़ाई कर रहा है, गरीबी, गरीबी कोई स्तर तक गिर गया है यहाँ पे, बहुत गरीबी है, भ्रष्टाचार यहाँ पे तो आतंक पर चल रहा है भाई, उसके बाद अशांति, अशांति के तो पूछवे मत कीजिए, हर दम यहाँ दंगा वहाँ दंगा हर दम, यहाँ पे देखिए साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार का
बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय है, दयनीय है। इसका स्थिति क्या है? दयनीय है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हरदम पूछता है भाई जे इसका स्थिति, बिहार की स्थिति क्या है? तो दयनीय है, ठीक है। हरदम पूछता है जे बिहार की स्थिति क्या है, तो दयनीय है। आपको हरदम ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आगे आगे दिया है, आज बिहार के अति पिछड़ापन राज्य में गिना जाता है। क्या गिना जाता है भाई? और देखिए अति पिछड़ापन, अति सबसे मतलब सबसे निचले वाले। आपको बोले थे क्या बिहार यहाँ था और उसको उठा के यहाँ पर पुगा दलो लोग, बड़का बड़का महापुरुष लोग, ये बड़का हो गया है। ऐसे ऐसा महापुरुष ऐसे ऐसा समझे यहाँ पे हैं बिहार में, जिस राज्यों को यहाँ से यहाँ गिरा दलो लोग। समझ में आ गया कहाँ से कहाँ ले गया सब? अभी अति पिछड़ापन सबसे, जितना भी राज्य है नू इस देश में भारत में, ये सबसे निचले वाला स्तर पाता है हमारा बिहार, ठीक है। अब आप ही लोग के भरोसा पर है जो बिहार को यहाँ से अब यहाँ ले जाना है, तो नीमन से पढ़ाई कीजिए। अति पिछड़ापन पिछड़े राज्य में गिना जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो भाई कमेंट कीजिए, नहीं कीजिएगा का कीजिएगा नू कर दीजिएगा, एक कमेंट है उसमें बोलते हैं ना आपको, जो नहीं समझ में आया तो हाँ बोलिएगा भैया समझ में नहीं आया है, फिर से पढ़ा दीजिए, हम फिर से बता देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक समझ लीजिए, आ समझ में आ जा रहा है तो इसको एक बार नोट पैड पर उतार लीजिए, कॉपी पर कॉलम से लिख लीजिए इसको यहाँ से यहाँ तक। अगर लिख लेते हैं तो हम मिटा देंगे नू, अच्छा नहीं लिख भी करते हैं तो स्क्रीनशॉट मोबाइल में ले लीजिए, क्लिक कीजिएगा नू तो मोबाइल में एगो फोटो हो जाएगा ही। अब फोटो जब हो जाएगा जहाँ जाइएगा मोबाइल लेते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। अगर मोबाइल नहीं रहता है आपके पास, मम्मी पापा का मोबाइल है, तो कॉपी में तुरंत अभी उतार लीजिए, वीडियो को रोकिए और उतार लीजिए। उसके बाद आगे स्लाइड में दो तीन और टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तब तक उतार लीजिए दोस्त। तो दोस्त वो आपने टॉपिक को उतार लिया है और नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है। सबसे पहले नेक्स्ट टॉपिक आपको दो गो टॉपिक बताएंगे इसमें, और दो टॉपिक और बचेगा तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, और आपको जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वीडियो फाइनल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो हो रहा है। और बिहार के पिछड़ापन का कारण और बिहार के पिछड़ापन दूर करने के कारण, भाई हमने शुरू से वहीं से टॉपिक का चालू किया था जब बिहार इतना स्तर पर नीचे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, तो हम उसको उठाएंगे क्यों नहीं, उठाएंगे क्यों नहीं, उठाएंगे क्यों नहीं, उठाने की बात करेंगे हम, मतलब नीचे से ऊपर दूर कैसे करेंगे। अगर हम पिछड़ापन पढ़ रहे हैं भाई, ये पिछड़ापन कैसे, कौन कौन ऐसे कारण है जहाँ पे यहाँ बिहार में कांड हो रहा है, वो सब कांड 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 मतलब गलत चीज़ ना समझिएगा भाई, क्योंकि अयोध्या कांड बहुत ऐसे कांड हुए हैं, ठीक है। तो कांड मतलब यहाँ पे बिहार में ऐसे कौन कौन से कांड हुए हैं जिसको, जिसके कारण हमारा बिहार का हुआ है नीचे स्तर पर गिरा हुआ है, ठीक है, नीचे स्तर पर गिरा हुआ है। तो देखिए दोस्त, और बिहार को हम नीचे स्तर से ऊपर स्तर पर कैसे ले जाएंगे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले नीचे स्तर पर पिछड़ापन का कारण का है, मतलब पीछे हमारे पूरे राज्य से क्यों जा रहा है बिहार, क्यों जा रहा है भाई। तो देखिए तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, भाई तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या का है। अब देखिए हम पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, अपने मतलब जानेंगे नहीं कुछ चीज़ के बारे में, शादी कर देते हैं कम उम्र में बच्चों को, किया जाता है ना, गार्जियन क्या करते हैं कम उम्र में शादी कर देते हैं, ठीक है। और आपके भी अगर टेंथ में हैं और लड़की हो या लड़का हो, अगर आपके भी गार्जियन शादी करने की अभी कोशिश कर रहे हैं, आपका एज नहीं हुआ 18 साल से प्लस एज नहीं हुआ है, तो आप कोशिश मत कीजिएगा और गार्जियन को समझाने की कोशिश कीजिएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो, ठीक है, क्योंकि तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आपको उतना जानकारी नहीं रहता है, और आपको मतलब हमारा इनकम कम होता है और हम जनसंख्या को ज़्यादा ले लेते हैं, जैसे 3, 4, 5, 7 इतना, किसी किसी को आप गांव में देखे होइएगा जो 10 हो जाता है किसी किसी के बच्चे, और 10 हो जाता है तो भाई जनसंख्या इतना ना ज़्यादा हो गया है जिसके कारण उसके क्या होगा, गरीबी उसके साथ रहेगा भाई, ज़्यादा रहेगा और 10 बच्चे रहे और 500 रुपये कमाए दिन भर में, तो क्या हो उसके पास बचेगा, नहीं बचेगा। तो उसके तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या पे हमें रुक लगाना चाहिए, इसके पिछड़ापन का फर्स्ट कारण यही है, जनसंख्या नहीं बढ़ना चाहिए। उसके बाद सेकेंड नंबर का है आधारित संरचना का अभाव। आधारित संरचना में इसका होता है भाई आधारिक संरचना का होता है, आपको समझ में आने की कोशिश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आधारिक संरचना का होता है, देखिए सड़क, आपके गांव में सड़क है नू, जहाँ पे आप जाते हैं स्कूल पढ़ने, कोचिंग में पढ़ने जाते हैं नू, तो सड़क है, तो सड़कों का अब टूटा होगा तो उसका मतलब मरम्मत करना ज़रूरी है नू, तो आपके गाँव के मुखिया सरपंच होंगे तो उसको मरम्मत में लगे होंगे, जो इसका मरम्मत कैसे किया जाए, क्योंकि बच्चा सबको जाना है स्कूल,
तो उसका मरम्मत है, उसका अभाव बहुत ज़्यादा कम है भाई। बहुत ऐसे सड़क हैं टूटे हुए हैं, ठीक है, बिजली बहुत ऐसे गांव है जहाँ पे बिजली का अभाव अभिन है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे से बहुत संसाधन है, मतलब वहाँ पे शिक्षा स्तर जो है, ऐसे बहुत गांव है जहाँ पे एक स्कूल है उसमें वो भी पढ़ाई नहीं होता है, नहीं, शिक्षा स्तर बहुत गिरा हुआ है। तो आधारिक संरचना में उसी की बात किया जाता है, सड़क हो गया, बिजली हो गया, शिक्षा स्तर हो गया, बिहार का बहुत गिरा हुआ है, मतलब बहुत नीचे स्तर पर है, उसको उठाना जरूरी है। उसके बाद कृषि पर निर्भरता। देखिए गांव में क्या होता है, जितना लोग होता है अगर कोई काम नहीं मिलता है ना तो वो कृषि पर निर्भर हो जाता है, हम खेती करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे देखिए कृषि पर बहुत लोग, अगर मानिए 5 कट्ठा खेत आपके पास है, ठीक है, और 5 कट्ठा में भाई आपको हम जाना जोड़ कर एक 2 आमदी घर के, अगर 10 आमदी घर में हैं तो 200 आमदी क्या करते हैं, 5 कट्ठा खेत में लग जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 आमदी नहीं उसको काम करा लेंगे जाना जोड़ कर, और 10 आमदी में से 2 आमदी निकाल, 8 आमदी जाकर 200 रुपया कमाता है, तो 1600 रुपया हुआ, हम इसमें 2 आमदी है, 1 आमदी 2 आमदी और जोड़ देंगे, 5 कट्ठा खेत रुपा जाएगा, तो हमको पैसा नहीं बचेगा, हमारी इनकम बचेगा ना। तो हम पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारे शिक्षा स्तर बहुत कमजोर होने के कारण हमको ये सब नहीं पता रहता है, जिसके कारण कृषि पर निर्भर हो जाते हैं। और पूरा लोग 80% आपको पता होगा, बिहार के 70 या 80% लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। तो निर्भर होने के कारण हमारा बिहार का जो मतलब पिछड़ापन के कारण बहुत नीचे जाता जा रहा है, बहुत ही पीछे होते जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए 5वां टॉपिक है जो औद्योगिक पिछड़ापन। औद्योगिक आपको समझाए हुए थे फर्स्ट वीडियो में जो औद्योगिक क्या होता है। औद्योगिक देखिए उद्योग, उद्योग आपके गांव में होगा ना, उद्योग नहीं है आपके गांव में, चीनी का उद्योग है आपके गांव में, कुछ भी ऐसा मशीन है जहां से कोई प्रोडक्ट निर्माण होता है, बड़ा सा फैक्ट्री है ना, इसे हमारे गांव के पास बगल में ही चीनी मिल है, उद्योग है, तो उसको क्या बोलेंगे, उद्योग। और चीनी मिल है तो उद्योग हो गया, वहां से चीनी का प्रोडक्ट हमें मिलता है, चीनी हमें मिलता है, तो उद्योग हो गया। तो ऐसे बिहार में क्या है जो उद्योग के निर्माण बहुत कम है, बहुत नीचे स्तर पर, आप कहीं कहीं देखिएगा बड़े बड़े फैक्ट्री यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे उद्योग का निर्माण बहुत कम है। तो जिसके कारण उद्योग पिछड़ापन होने के कारण, यहाँ पे कंपनी नहीं है जिसके कारण बिहार का पिछड़ापन कारण बहुत बना हुआ है। आगे देखिए गरीबी, गरीबी बिहार में बहुत ज़्यादा नीचे स्तर पर जा रहा है भाई। आपको बताइए कि जनसंख्या हम ज़्यादा पैदा कर लेते तो गरीबी भाई होकबे करेगा ना। उसके बाद देखिए हम अगर पैसा नहीं कमाते हैं तो गरीबी होकबे करेगा, दिन भर खाएंगे घूमेंगे तो क्या गरीबी नहीं होगा, होगा ना। उसके बाद देखिए तो खराब विधि व्यवस्था क्या है। देखिए खराब खराब विधि व्यवस्था, व्यवस्था आपको पता चल रहा है, और विधि मिस क्या होता है, एक जरिया होता है जो चलता रहता है, उस विधि हो गया व्यवस्था। देखिए क्या होता है खराब, यहाँ पे विधि व्यवस्था कैसे है भाई, यहाँ पे कई ऐसे उद्योग हैं, उद्योग हैं बिहार में, और विधियों उद्योग रहते हुए भी यहाँ के जो वहाँ का उसमें काम जो लोग करते हैं वहाँ पे उसका तनख्वाह जो है, मानिए जो हम 500 रुपया का 12 घंटा काम कर रहे हैं तो हमको 500 रुपया बनना चाहिए, तो वहाँ पे उद्योग क्या करता है 400 रुपया देता, तो कहता है कंपनी ना होने के कारण आपका अगर बेरोजगार है तो आपको क्या करेगा, लेना तो लीजिए, नहीं लेना तो भाई जाइए भाड़ में, जाइए भाड़ में काम कीजिए, करना है तो करिए, नहीं करना है तो जाइए, कहाँ जाइए घर में बैठिए चुपचाप। तो गरीब अगर बैठिएगा तो उसे भी गरीब होते जाइएगा, सोचिएगा चलिए 400 रुपये में काम कर लेते हैं, तो जिसके कारण खराब यहाँ पर विधि व्यवस्था बहुत है। उसके बाद देखिए कुशल भाई, यहाँ पे देखिए एक बाढ़ तथा सूखा से क्षति, यहाँ पे 4 नंबर छोड़ दिया है, ठीक है, बताने के लिए, तो इसको बाद में बता देते हैं, आगे 8 नंबर बता देते हैं, उसके बाद हम 4 नंबर पर बात करेंगे। चलिए आगे 4 नंबर बता देते हैं, बाढ़ तथा सूखा से क्षति, बाढ़ तथा सूखा से क्षति, यहाँ पे क्या हो रहा है बिहार में भाई, आपको देखिए अभी तुरंत बाढ़ हुआ था, तत्काल में बाढ़ आया हुआ था, पूरा जगह भाई क्षति हो गया था, पूरा जगह पानी पानी दिखाई दे रहा था, तो पता नहीं चलता है भाई जो बाढ़ कब आया और पूरा फसल को दहला कर घर माल जाल पूरा किसी को उड़ा देता है, यहाँ से दहवा ले जाता है, तो वहाँ उससे क्षति। कभी ऐसा होता है जो किस कोनो ऐसा गाँव होता है जो वहाँ पर पूरा सूखा ही सूखा रह जाता है, पानी अभी नहीं बारिशें नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पर बहुत क्षति होता है। तो दोनों प्रकार से हमको क्षति होता है, कभी बाढ़ आ जाएगा कभी सूखा होने के कारण, दोनों प्रकार से क्षति होता है। आपको पता होगा आपके गांव में ऐसे बाढ़ भी आया होगा 30 साल, आप अगर आया हुआ तो यस कमेंट कीजिए, ठीक है, कमेंट जरूर बताइएगा जो हाँ यस आया हुआ है बाढ़ हमारे गांव में, ठीक है। उसके बाद देखिए कुशल प्रशासन का अभाव, कुशल प्रशासन का होता है दोस्त, यहाँ पे देखिए बिहार में आपको पता चल रहा है प्रशासन मतलब पुलिस, ठीक है, तो पुलिस आपको पता होगा जी बिहार में कैसे पुलिस होते हैं, हेमलेट नहीं पहनेंगे जाएंगे, हाँ सर 500 रुपये ले लीजिए छोड़ दीजिए, हाँ भाई दीजिए ना घूस दीजिए जाइए, ठीक है भाई ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कुशल प्रशासन, अगर हम घूस देते हैं तो चट से काम हो जाता है,
आपको पता होगा, लेकिन कुशल प्रशासन यहाँ पे बिहार में, अब बताइए बुक में भी दे दिया है तो पुलिस प्रशासन यहाँ पे सही है नहीं है, जिसके कारण आपको बुक में दर्शाया जा रहा है यहाँ पे कुशल प्रशासन नहीं है, कुशल प्रशासन बहुत ज्यादा अभाव है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अथी है, मतलब यहाँ पे कुशल प्रशासन है, पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पे वैसे मतलब ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करता है। देखिए उनको 25,000 तनख्वाह रहता है, अब महीने में कमाते हैं कितना, 1,00,000 रुपया, तो भाई 1,00,000 रुपया उनको आया कहाँ से, कहाँ से आया, पूरा घूस लेते हैं तभी तो आता है। तो वहाँ पे कुशल प्रशासन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा अभाव है बिहार में, जिसके कारण इसके पिछापन का कारण यहाँ पे 7-8 टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको उतार लीजिएगा और इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत VBI है ये दोनों टॉपिक। हमको लगता है कि इस साल ही कहीं दे भी नहीं दे, क्योंकि हर साल इस चैप्टर से ही 5 नंबर में क्वेश्चन आपको पूछता है। अगर आप तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या आपको समझा दिए हैं, यहाँ पे डॉट दीजिएगा, थोड़ा सा भी लिख दीजिए 1-2 लाइन और पूरा को दर्शा देते हैं, तो आपको 5 नंबर कोई नहीं रोक सकता है, आपको एग्जाम में साफ मार्क्सशीट पा जाएगा 5 नंबर बिहार के पिछड़ापन के कारण टन से 5 नंबर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, देखिए बिहार के पिछड़ापन को दूर करने का उपाय, ये तो कारण हो गया भाई क्या का है, अभी इसको दूर करेंगे कैसे, कैसे दूर करेंगे, जनसंख्या पर नियंत्रण, आपको बता दिए जो जनसंख्या पर यहाँ पर बढ़ रहा है तो उसको नियंत्रण जब हम कर लेंगे, इसका उल्टा जब कर देंगे, इसका उल्टा पूरा, तो क्या होगा बिहार का दूर नहीं, दूर कष्ट दूर नहीं हो जाएगा, तब हम जनसंख्या जहाँ 12 जन्मा रहे हैं वहाँ पर हम 2 काहे नहीं जन्माएंगे भाई, 2 जन्माएंगे नू, तो हम 2 बाल बच्चा करते हैं तो हमको नीमन से उसको खिलाएंगे पिलाएंगे पढ़ाएंगे और तेज करेंगे, तभी नू जन बिहार को डेवलप करेगा वो, तो उसी प्रकार जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे। उसके बाद 2 नंबर टॉपिक है कृषि का तेजी से बढ़ता हुआ विकास, कृषि का अगर विकास करते हैं हम, मानिए 5 आमदी काम करते हैं, 5 आमदी काम करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा खेत है और वहाँ पर 5 आमदी कृषि पर लगे हुए हैं और उसमें खाद एक से एक देते हैं, अच्छा तरह से खाद का उपयोग करते हैं उसमें, तो आपको ज़्यादा मतलब डेवलप होता है, और आपको पढ़े लिखे हैं तो थोड़ा सा उसमें एक से एक मटेरियल डालने से आपको कम जगह पर ज़्यादा वस्तु का, ज़्यादा अनाज का निर्माण कर सकते हैं। तो कृषि पर तेज़ी से तेज़ी से विकास, वहाँ पर कृषि पर बहुत मतलब धप्पा चलाया है जिसके कारण विकास होवे नहीं कर रहा है, तो इसमें विकास जरूरी है। उसके बाद बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ यहाँ पर नियंत्रण, बाढ़ पर अगर हम बांध बना देते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बड़े बांध बना देते हैं तो बाढ़ पर हम नियंत्रण पा सकते हैं, नहर का निर्माण कर देते हैं तब भी बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं, तो ऐसे ऐसे हमको बाढ़ पर नियंत्रण, यहाँ पर बांध बड़े बड़े बांध बनाकर बाढ़ पर नियंत्रण पा सकते हैं। उसके बाद आधारित संरचना का विकास, आधारित संरचना आपको बता दिए हैं जो आपको विकास इसमें करना है, जैसे हम शिक्षा स्तर है हमको इसको डेवलप करना है, बढ़ाना है शिक्षा स्तर को, शिक्षा को और मतलब ऊंचे स्तर पर ले जाना है। उसके बाद हमको उसमें बिजली का जो है, उसमें बहुत सड़क का निर्माण है, उसको हमको पूरा विकास करना है, उद्योग का विकास, उद्योग का यहाँ पे उद्योगों को विकास करना है बिहार में, अगर ऊंचे स्तर पर उद्योग का विकास कर देते हैं तो हमको पिछड़ापन से छुटकारा मिल सकता है। गरीबी दूर करना, बिहार में गरीबी जो है यहाँ पे गरीबी को दूर करना, गरीबी को दूर कर देते हैं तो यहाँ भी हमको मतलब बहुत ही आगे लोग बढ़ते हैं, अगर धनिक हो जाते हैं बिहार में तो भाई कोई बातें नहीं है। शांति व्यवस्था की स्थापना, और शांति यहाँ पे व्यवस्था की स्थापना कर देते हैं तो कोई बात नहीं भाई, शांति तो पूछ सकते हैं आप, अगर यहाँ पे देखिए मार काट अपने जातीयता को देख कर मार फीट करना, ये सब पूरा हमको शांति अगर हम शिक्षा को ग्रहण करते हैं, इस सब को हमको बढ़ाने के लिए कौन मेन जरूरी है, शिक्षा, ठीक है शिक्षा बहुत जरूरी है, तो शिक्षा अगर हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे शांति स्थापना अगर हम शिक्षा लेते हैं ज़्यादा ग्रहण करते हैं तो हमको जातीयता से कोई मतलब नहीं है, पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं रहता है, तो जिसके कारण हमको शांति व्यवस्था स्थापित होता है। स्वच्छता तथा ईमानदारी प्रशासन, ठीक है, और स्वच्छ तथा ईमानदार मतलब घूसखोर नहीं, पुलिस घूसखोर नहीं, ईमानदार होना चाहिए, ठीक है, और ईमानदार पुलिस रहता है आपका बिना पैसा, वहाँ पे जिस स्थान पे पैसा आपका नहीं लगता 1 भी रुपया, वहाँ पे आपका अगर काम टाइम पे करता है तब तो आपको क्या है वो स्वच्छ और ईमानदार पुलिस कहलाता है, प्रशासन कहलाता है, जिसको यहाँ पे डेवलप करना बिहार में बहुत ज़रूरी है,
केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। यहाँ पे 8 तक टॉपिक है, यहाँ पे एक टॉपिक मिलाया गया केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण। हस्तांतरण मतलब क्या होता है, सिग्नेचर। अगर केंद्र सरकार से हमें अधिक मात्रा में यहाँ पे अगर सड़क निर्माण करना है तो यहाँ से क्या करते हैं, हमारे गाँव के मुखिया जी क्या करते हैं जी, यहाँ से भेज देते हैं कागज आ केंद्र में जाता है। अब पोथी पत्राधिशन इतना बढ़कर रहता है और उसी में ठूस दिया जाता है। अगर आप पैसा देते हैं, अगर आप उस पर लगे रहते हैं तो केंद्र से 10 को दीजिएगा, 10 को सड़क निर्माण करने के लिए, 10 को स्कूल निर्माण करने के लिए, 2 को निकाल कर अगर चढ़े रहते हैं तो 2 को सिग्नेचर कर देते हैं, दिया जाता है केंद्र से, हो गया उतने में संसाधन। तो भाई ऐसे डेवलप होगा नहीं होगा, हम उस पर चढ़े रहेंगे 10 पे 10, हम 10 अगर सड़क का निर्माण करने के लिए 10 पे 10 सिग्नेचर कराते हैं संसाधन को, तो क्या होगा संसाधन, तब वो हमारा डेवलप हो रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बिहार का पिछड़ापन बहुत अथी हो रहा है। अब इतना आपको समझ में आ गया, अगर समझ में आ चुका है तो इसको उतार लीजिए, और बहुत VBI है आपके लिए, एग्जाम के लिए बहुत VBI है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और एक और टॉपिक है उसको आपको समझा देते हैं, उसके बाद वीडियो को समाप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो में बनिए, क्योंकि लंबा हो रहा है वीडियो। तो दोस्त आपने बात कर लिए थे, वहाँ पे आप उतार लिए होंगे बिहार के जो पिछड़ापन दूर करने का, उसको पिछड़ापन के कारण को। दोस्तों देखिए आगे बात करना है नरेगा, ठीक है, नरेगा, नरेगा के बारे में बात करना है। तो नरेगा का वर्ड देखिए NREGA, ठीक है, नरेगा, नरेगा का होता है। तो दोस्त देखिए नरेगा के लिए आपको आपको बाबा से अगर पापा से पूछते हैं और आप मम्मी से भी पूछते हैं तो आपको नरेगा के लिए क्या बनता है, गांव में जॉब कार्ड का नाम सुना होगा आपको, देहात भाषा में बता देते हैं जॉब कार्ड जिसको बोला जाता है, जिसे हम नरेगा कार्ड मतलब ग्रामीण योजना के लिए उसको हम, ठीक है, यूज करते हैं। तो जॉब कार्ड जो आपका BPL होता है, जॉब कार्ड जो बनता है तो नरेगा के लिए बनता है जॉब कार्ड, और जिसके पास जॉब कार्ड होता है तो नरेगा के लिए उसको 100 दिनों के लिए काम करने के लिए नरेगा में काम मिल सकता है। अगर आपके पास जॉब कार्ड है तो 100 दिन के लिए काम मिल सकता है आपको, ठीक है, वो अभी आपके गाँव के सरपंच मुखिया के अनुसार मिलता है। देखिए ग्रामीण रोजगार देने की यह राष्ट्रीय योजना है, मतलब ये राष्ट्र के अनुसार ऊपर से डायरेक्ट केंद्र सरकार से डायरेक्ट यहाँ पे ये एक योजना चलता है, जिसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में काम कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। मतलब ग्रामीण स्तर पर, गांवों के स्तर पर, ग्राम के जो भी वहाँ पे मजदूर हैं, जो भी किसान मजदूर यहाँ पे काम करते हैं, उसको 100 दिनों के लिए, यहाँ पे देखिएगा दोस्त कितना दिनों के लिए पूछता है नरेगा में, कितने दिनों के लिए काम करने के लिए हमको मिलता है, तो 100 दिनों के लिए, ठीक है, कम से कम कितने दिन के अंतर्गत हम काम कर सकते हैं, 100 दिन, ठीक है, तो हमको 100 दिनों के लिए काम करने के लिए मिलता है उसमें, और ग्रामीण स्तर के अंतर्गत मिलता है, वो भी सरपंच वार्ड मुखिया जो भी होते हैं उनके सचिव उचिव के द्वारा हमको 100 दिन के लिए काम करने के लिए मिलता है। अगर आपके पास जॉब कार्ड बन जाता है और जॉब कार्ड में आप चले जाते हैं तो जॉब कार्ड के अनुसार आप दिखाते हैं तो आपको 100 दिन के लिए काम मिल जाता है, ठीक है, रोजगार मिल जाता है, तो आप काम करके 100 दिन के लिए। इसके अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी निर्धारित होती है, मतलब उसके अंतर्गत आपको पूरा किसी को, मतलब वहाँ पे अगर 250 रुपये दिया जा रहा है और 5 घंटा काम करवाया जाता है तो पूरा किसी को 250 मिलेगा, न कि वहाँ पे कोई और है तो उसको 500 मिलेगा, कोई और है उसका हित है तो 400 मिलेगा, वो ऐसा नहीं, वहाँ पे पूरा किसी का एक निर्धारित न्यूनतम मजदूरी, मतलब 500 रुपये है तो 500, 600 है तो 600, वो डायरेक्ट केंद्र सरकार से हमको उतना निर्धारित करके मिलता है और उसमें हम ज्वाइन होते हैं और 100 दिन उसमें काम करते हैं। अगर हमको कहीं काम नहीं मिलता है तो 100 दिन उसमें काम करने के बाद हमको न्यूनतम मजदूरी मिल जाता है, इसीलिए हम इसको नरेगा के अनुसार जानते हैं। नरेगा आपको समझ में आ चुका है, उसमें 100 दिन के लिए हमको काम करने के लिए रोजगार मिलता है, आपको समझ में आ चुका है दोस्त। उसके बाद आपको बता दें जब वीडियो यहाँ पे इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को द एंड हो जाता है, ठीक है, और यह एंड होने के बाद इस चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा डिटेल में समझाएंगे। अगर आप इस चैप्टर पूरे वीडियो को नहीं देखें नू तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा नू, तो आपको एग्जाम में नहीं छूटेगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन को भी हम डिटेल में समझाने वाले हैं, ठीक है दोस्त। तो यहाँ तक तो वीडियो समाप्त करते हैं, और आपको डिस्क्रिप्शन में और वीडियो का लिंक मिल जाएगा। रुपेश सर आपको रेगुलर मैथ की क्लास चला रहे हैं, और दोस्त देखिए हमारा भी बैच, हम भी पढ़ते हैं, तो जिसके अंतर्गत आपको समय नहीं मिलने के कारण आपका वीडियो रेगुलर नहीं हो रहा था, लेकिन अब वीडियो आपका रेगुलर मिलेगा, और आपका हिंदी का भी वीडियो
हिंदी ग्रामर है वो भी आपको वीडियो अब मिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और कुछ और इसमें डेवलप कर रहे हैं, कुछ और सब्जेक्ट होगा जिसको आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे और क्रैश कोर्स के अनुसार समझाएंगे, न कि आपको पूरे डिटेल में ऐसे चलते रहेंगे। आपको एग्जाम के इंटरव्यू से जो एग्जाम में हर साल पूछता रहता है, बीबीआई क्वेश्चन है, उसी को समझाने की कोशिश किया जाएगा, न कि आपको अफवाह में कुछ भी पढ़ाते जाए ऐसा नहीं किया जाएगा, ठीक है दोस्त। क्योंकि समय आपके पास बहुत कम है और आप घर पर तैयारी थोड़ा सा जोर शोर से कीजिए, क्योंकि आपको भी नंबर चाहिए और 400 प्लस करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा घर पे ज़्यादा तैयारी करने की कोशिश कीजिए दोस्त, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर के साथ, फर्स्ट चैप्टर के डेवलपमेंट के क्वेश्चन आंसर के साथ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ आपको मिलते हैं। और इसी अंदाज में और इसी के साथ चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और आप दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा उसका लाभ हो जाता है इस वीडियो से, तो आपको क्या घाटा है, क्या नहीं घाटा है उसको भी पता चलेगा, आप इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्त।